नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फिल्म विंडो पर। आपके साथ मैं हूँ दीपिका भटनागर। क्या बड़ा रिकॉर्ड और नया प्रियंका ने बना लिया है, क्या माना जाए इस फैन फॉलोइंग को देखकर, इस पॉपुलैरिटी को देखकर और इन नए नए रिकॉर्ड्स को देखकर कि प्रियंका का जो विनर बनना है वो तय हो चुका है। चलिए आपके साथ पूरी डिटेल्स मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। देखिए, एक हैशटैग प्रियंका के जो फैंस हैं वो लगातार चला रहे थे, अराइजिंग विनर प्रियंका। इस हैशटैग ने बहुत ही जल्दी 1 मिलियन जो है कंप्लीट कर लिए थे। बिग बॉस की हिस्ट्री में टॉप 3 फास्टेस्ट 1 मिलियन में ये आ चुका था। इससे पहले, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फास्टेस्ट ट्रेंड्स की, तो आसिम फॉर द विन 53 मिनट में इसने 1 मिलियन ट्वीट्स क्रॉस किए थे। चार्ट बस्टर सिद, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला के लिए था चार्ट बस्टर सिद, इसने 58 मिनट में इतने ट्वीट्स क्रॉस किए थे, यानी कि 1 मिलियन। और अब अराइजिंग विनर प्रियंका ने 2 घंटे 48 मिनट में 1 मिलियन ट्वीट क्रॉस किए थे। लेकिन ये बात तो अभी जब से शुरू हुआ है ट्रेंड तब की है। आज की अगर मैं बात करूं तो अब इस हैशटैग ने 5 मिलियन ट्वीट्स जो है ट्विटर पर क्रॉस कर लिए हैं और अभी भी ये ट्रेंड कर रहा है। यानी कि प्रियंका के फैंस किस हद तक प्रियंका को प्यार दे रहे हैं, उन्हें विनर बनता हुआ देखना चाहते हैं, ये इससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर ये बात सामने आ रही है कि प्रियंका के जो फैंस हैं वो प्रियंका को विनर बनते हुए देखना चाहते हैं। और इसीलिए ये जो टॉप 3 अब तक सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेंड हुए हैं बिग बॉस की हिस्ट्री में, इसमें प्रियंका शामिल हो चुकी हैं। एक तो देखिए बिग बॉस 13 से ही था, आसिम और सिद दोनों ही उसी में थे। और बाकी सारे सीजन्स की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ ये एक सीजन है बिग बॉस 16 जिसमें से प्रियंका इसमें शामिल हुई है। तो बड़े बड़े रिकॉर्ड प्रियंका अपने नाम कर रही है और इन रिकॉर्ड्स के साथ धीरे धीरे ये भी कह सकते हैं कि प्रियंका का विनर बनना भी कहीं ना कहीं तय होता दिख रहा है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, अपने कमेंट्स हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।